गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये डे टू है हमारे मैक्लुस्कीगन वेडिंग शूट का और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 मॉर्निंग का। हम सुबह उठे लगभग 6 बजे, डेटा कॉपी किए, फ्रेश हुए, अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, फिर अभी हल्दी का फंक्शन होगा। हम निकलेंगे रात में ना, ये जो आम का पेड़ है इस पे दूर से आम इतना, मतलब इतने सारे आम है ना कि यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है, तो छोड़ो इसको। अभी हम लोग जाएंगे नाश्ता करने, नाश्ता करके ब्राइड आएंगी तो शूट स्टार्ट होगा और फिर आज वेडिंग है, मतलब आज दिन भर और रात भर का शूट है। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं और देखो आप हमारा बिहाइंड द सीन नहीं बोल सकते, मतलब जस्ट देखो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर, एक हम किस तरह से वेडिंग शूट करते हैं, हाउ आई स्पेंड माय डे ऑन अ वेडिंग शूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं दिन को। कल रात में लगभग 1:30 बजे तक शूट चला था, मैं तो मतलब चला गया था रूम, भैया लोग आए थे 1:30 बजे। ओवरऑल ठीक ही रहा था, मैं पंखा नहीं लगता तो बहुत दिक्कत होता नहीं है। तो अभी हमें बिस्किट खा के रहना होगा। चलो बिस्किट खा ले, बिस्किट। एक्चुअली दिक्कत इस जगह पे ये है ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बाहर में फूड सेंटर्स नहीं मिलेगा, मतलब रेस्टोरेंट है एक तो वो भी 10-11 बजे तक खुलता है। इधर सामने स्टेज बन रहा है, ये वाला जो स्टेज है ये वरमाला का स्टेज है, मंडप वाला तो कल मैंने दिखलाया था। चलो बिस्किट खा लेते तब तक। यहाँ पे ना ग्राउंड में सांप भी दिखा था, छोटा सा सांप था। कैसे घूम रहा था? कैसे? क्या बोलता? ये हरा सांप है, हरा है ना कौंडा? ये पैसेज बनाया है। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि ये जो वेडिंग है ये बहुत बहुत मतलब जल्दबाजी में इन्होंने प्लान किया और इस जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको जिस वे का मतलब यहाँ के हिसाब से इट्स गुड। आनंद नाम है यहाँ के जो इवेंट देख रहे हैं आनंद जी, लेकिन जैसा इनको चाहिए क्लाइंट को वो थोड़ा इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था उनका। अब रात में देखते हैं लाइटिंग ऑन होगी तो कैसा दिखता है ये। तो अभी हम डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हुए चिल कर रहे हैं सब लोग, मेरे को भी दिखलाते हैं, हम भी चिल कर रहे हैं। बोलिएगा भैया क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट में हम नर्वस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा होता है, बाकी उसके बाद का कोई टेंशन नहीं आती है। अभी प्रेम भैया ना बड़ा खुश है कार चला के, तो अभी अभी आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। मांगिए क्या बोल रहे हैं? 500 रुपये फिर तो बहुत है। अरे तंदूरी चिकन लिखल कहीं नहीं मिलता है, पिछड़ा पूरा गली घूम लिया पिज्जा जगह की मारे तंदूरी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15 दोपहर के और हम नाश्ता करके फिर से सो गए थे और अभी तिलक हो रहा है, तिलक पे अनिकेत और सोनू भाई छोड़े उनको। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्राइड का जो ड्रेस का हमें शॉट लेना है वो करने, फिर वहाँ से जैसे तिलक स्टार्ट होगा अभिनव भाई को आना होगा इधर। अगर हमारा कंप्लीट होगा तो हम लोग सब लोग आएंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं और अभिषेक भाई रुकेंगे वहीं पर। तो अभी ड्रेस का हमने शॉट कंप्लीट किया, अब चलो चलो। ये जगह अच्छा था, ये लोकेशन कल से आज पर ठंडा है अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15 और हम लोग अब वेडिंग की तैयारी, मतलब अभी जो हम शूट पे निकलेंगे वो पूरा रात शूट करेंगे हम लोग। तो अभी डेकोर सेशन, फिर ग्रूम का रेडी, गेटिंग रेडी, फिर ब्राइड का गेटिंग रेडी और उसके बाद वेडिंग स्टार्ट होगा। तो देखो अभिनव भाई
वरमाला तक हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा टाइट शेड्यूल होगा, वरमाला के बाद ब्लॉग पे आते हैं, देखते हैं अभी बीच में जहाँ होगा वहाँ दिखलाते हैं। चलो रेडी, चलो रेडी रेडी ऑल सेट। बहुत मतलब बहुत हेक्टिक होता है वरमाला तक का सीन। अभी टाइम हो रहा है वो 1:40 और अभी जस्ट वरमाला ख़त्म होके सब लोग मतलब शादी के लिए बैठे हैं मंडप में। हम लोग वायर लेके आ रहे थे क्योंकि होता क्या है जब इस ऐसी जगह पे आते हो और आप तो जो भी मैकेनिक था इलेक्ट्रिशियन था इनका वो चला गया सो गया और उसने कनेक्शन दी नहीं। बता डाइजेस्टिव बिस्किट हमारे पास है 2 पैकेट, अब उसको पानी में डुबो के क्यों खाना क्यों नहीं पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ था एक्चुअली। अभी सीन ऐसा है ना कि खाना हो गया ख़त्म और वो इसलिए क्योंकि शूट करते करते हो गया काफ़ी देर और केटरिंग वाले लोग चले गए। टाइम हो रहा है अभी देखो 1:55, तो अभी भूखे देखो इनको, अभी देख रहे थोड़ा इधर हल्ने पे। और यहाँ पे गर्मी ऐसी है ना कि मतलब भूख तो चलो प्यास वाला जो पानी पी रहे वो भी निकल जा रहा है, लेकिन ये भी सब मज़ा है जब जब सीजन ऑफ होता है जब आराम करते हम लोग तभी सब याद आता है। अभी देखो चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान है। तो अभी लगभग 4:45 बज रहा है और शूट सिंदूरदान ख़त्म हो चुका है, मतलब लगभग सिनेमैटिक का ख़त्म हुआ, निकेत और सोनू भाई का काम है। तो थक के मतलब जब बैठे थे तो बहुत ज़्यादा नींद और थकान भी थी, लेकिन जब काम करने लगे तो चीज़ें सॉर्टेड है। और कैमरा भी अभिनव ले रहे हैं और इतना थके हुए कि कांप रहे हैं उनका हाथ गोप्रो के कारण पता नहीं चल रहा है। ये देखो भाई को अभिषेक भाई खड़े खड़े सो रहे हैं, अंकित अभी एक्टिव है भाई अपना टाटा बाय बाय करते। तो ये मतलब वेडिंग शूट का जो भी था मतलब ज़्यादा तो कुछ दिखलाया नहीं क्योंकि शूट पे इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं लोग कि मतलब नहीं टाइम ही नहीं मिलता, मिलता है टाइम अभिनव भाई क्योंकि अगर वेडिंग ऐसा चीज़ है अगर एक चीज़ मिस हुआ तो वो रिपीट नहीं हो सकता। तो खैर अच्छा रहा शूट हमारा, थोड़ा सा कंजेस्टेड थी। पर अगर आप देखना चाहते हैं एक शॉट आप देखो अभी वेडिंग का सीन क्या है अभिषेक भाई दिखलाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं अगली बार से अगर लेकिन हाँ अगली बार कोशिश करेंगे कि और थोड़ा मतलब GoPro को कैमरे के ऊपर माउंट कर पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट करके देख लो। फिलहाल अभिषेक का करंट सीन देख तो बस यही था शूट, मतलब अगर आप एक सेंटेंस में बोलो तो बिहाइंड द सीन में फोटोग्राफर्स का देखो ये लाइफ है, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग और कुछ भी, हम लोग इन्जॉय करते हैं क्योंकि हम लोग एकदम एक्सट्रीम थकते हैं और खास करके लॉकडाउन के कारण जो शूट बहुत दिन बाद हम कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन वाला होता है क्योंकि बॉडी जो होता है मतलब अभी अडेप्टेड होता है जब हम रेगुलर शूट करते हैं। तो चलो मिलते हैं शूट ख़त्म करके कंप्लीट करके। हाँ बढ़ा दीजिए। तो अभी फाइनली शूट ख़त्म और हम लोग निकल रहे हैं अब रांची। आपका कैमरा पे भैया आपका कैमरा पे टेंशन मत लो ये लोडेड हमारा एसी बंद स्कूटी हो या कार हम तो पूरा भरे पूरे रहते हैं। आप जब रात भर जाग के अपनी टीम के साथ अच्छे से काम करते हो और अपनी टीम ऐसी हो जो आपके टांग खिंचाई करते रहे और सबसे मजेदार तब होता है जब विदाई टाइम से काफी ज्यादा डिलेड हो 5 घंटे बस सारा इवेंट भी नहीं। कोई बात नहीं, वी आर फ्रॉम बिहार झारखंड और यहाँ पे शादियाँ कभी टाइम पे नहीं होती।